खबर बलिया से है, जहां बलिया जनपद के गणवार थाना क्षेत्र के भातपा गांव में मछली पकड़ने के ग्रामीणों पर तेंदुए ने किया हमला। तेंदुए के हमले से दो ग्रामीण घायल हो गए, जिनका नजदीकी चिकित्सालय पर इलाज कराया गया। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंच करके पूरे दिन इस तेंदुए की तलाश में जुटी रही। तेंदुए के तलाश करने के उपरांत तेंदुए का पता शाम तक नहीं चल पाया। तेंदुओं को देखने के लिए करीब सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। तो वहीं तेंदुए के क्षेत्र में मिल जाने से और देखे जाने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल कायम है। वन विभाग के पास साधनों की कमी पर नाराज दिखे ग्रामीण। ये तस्वीरें हम आपको बलिया जनपद के गणवार थाना क्षेत्र के भातपा गांव के दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने तेंदुए को जाते देखा। तो वहीं तेंदुए ने मछली मारने वाले लोगों पर हमला भी किया, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे ही तेंदुए के मिलने की सूचना पुलिस प्रशासन को लगी, मौके पर तत्काल गणवार पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई। तो वहीं इस मामले को वन विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके थे। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। आपका क्या नाम पड़ेगा? भूपेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? भातपा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कैसी भीड़ लगी है, क्या समस्या है? तेंदुए का खबर आया सुनने में। अच्छा, तो विभाग की तरफ से क्या क्या व्यवस्था हो रही है? विभाग की तरफ से पूरा व्यवस्था हो रहा है, लेकिन विभाग यहाँ पे फेल है। फेल है? हाँ। क्यों फेल है, क्या समस्या बन रही है? समस्या उन लोगों के पास कोई साधन ही नहीं है। यहाँ पर तो पीछे आपको देखने में आ रहा है कि पिंजरा भी लग रहा है। पिंजरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे साधन नहीं है। बोल रहे हैं जाली मरवाने के लिए, चारों तरफ से जाली मरवा के आए तो पिंजरे में जा सकता है। चारों तरफ खाली मैदान है, वो तो कहीं भी जा सकता है। आपके कहने का मतलब कि विभाग के तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? नहीं उठाया जा रहा है।